हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं तीन ऐसी चीज़ें जिसको अगर आप ध्यान दोगे तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बन पाओगे। तो कुछ चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन ये जो तीन चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तीन चीज़ें आपको कोई भी चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, और कोई भी कॉलेज में हो या इंटरमीडिएट लेवल में हो या आप अगर बहुत ज़्यादा बड़े डेवलपर बन जाते हो, तब भी कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, लैंग्वेजेस है, वो कंटिन्यूसली टाइमिंग के साथ ग्रो कर रही हैं। इसीलिए कभी कभी होता क्या है कि कंपनियां किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती जो कि किसी और टेक्नोलॉजी पे होता है, फिर जैसे ही प्रोजेक्ट चेंज होता है तो सेम डेवलपर्स को किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ जाता है और दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ जाती है, तो वहाँ पे उनको दूसरी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है। और अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, बिगनर की बात करूँ, तो स्टूडेंट्स किस किस चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सीखते हैं, वो इंटरव्यू वगैरह के लिए सीखते हैं, और अच्छी कंपनियों में जॉब लेने के लिए सीखते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको तीन ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिस पे अगर आपने अच्छे से फोकस कर लिया तो आप एक बहुत ही एक्सपर्ट प्रोग्रामर या आप उस अपनी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बन पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मेरी पहली चीज क्या है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, पहली चीज, अगर आप किसी चीज को सीखना चाह रहे हो, फिर वो चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है तो सबसे पहले उस चीज को आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम दोगे तभी वो चीज आपको समझ में आएगी। अगर आप जल्दबाजी में रहोगे, अगर आप जल्दी जल्दी चीजें करने की कोशिश करोगे तो फिलहाल समझ में तो आ जाएगी, बट शायद आपका जो एक्सपर्टाइज लेवल हो उस लेवल तक ना पहुंच सके। आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा किसी चीज़ को अगर सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ, जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। वो क्या करते हैं, किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं करते हैं, वो एक ही महीने में 15 दिन में ऐसे सोचते हैं मुझे सब चीज़ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जावा की बात करूँ, तो अगर आपने जावा स्टार्ट किया तो आप 15 दिन में, 10 दिन में या 30 दिन में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो। लॉजिक को आप डेवलप करना 30 दिन में नहीं सीख सकते हो। आप किसी बड़े बड़े प्रोग्रामर्स को देखते हो, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, सब चीज़ देखते हो, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक हार्ड वर्क छिपा हुआ है। दैट मीन्स आपको भी कोई चीज़ सीख रहे हो तो उस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो कम से कम 6 महीने, 1 साल आपको देना ही होगा अगर आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सपर्टाइज करना चाहते हो। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा टाइम, कि आपको टाइम देना ही देना है। अगर आप एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं देते हो तो शायद वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इतने अच्छे से सीख ना पाओ। तो अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे भी उसको टाइम दीजिए और आप कुछ दिन तक वो चीज़ सीखिए। ऐसा ना करिए कि आपने 5 दिन पहले जावा पढ़ा, फिर 5 दिन बाद आपने पाइथन शुरू कर दिया, फिर 5 दिन बाद आपने नोड जेएस शुरू कर दिया। अगर आप ऐसे ऐसे करते जाओगे तो एक टेक्नोलॉजी पे पकड़ नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहला चीज़, लाइफ में अगर आप कुछ कर रहे हो तो टाइम ज़रूर दोगे। अगर टाइम दोगे तो वो चीज़ आपको समझ में ज़रूर आएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ हम लोग ने बात की थी टाइम, दूसरी चीज़ पेशेंस। आपको कोई भी टेक्नोलॉजी सीखनी है, आपको पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप पेशेंस रख सकते हो तभी आप चीज़ों को सीख सकते हो। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। और अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप छोटी चीज से स्टार्ट करते हो, हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हो, फिर दो नंबर का सम करते हो, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हो, फिर रैंडम नंबर बनाते हो, पजल बनाते हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके आप बड़े लेवल तक पहुंचते हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आज आपने हेलो वर्ल्ड बनाया, कल को आपने गूगल बना दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। तो आपको पेशेंस रखना ही होगा। अगर आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो जीरो से, तो आप धीरे धीरे करके ही बढ़ोगे, अचानक से कुछ चीज़ें नहीं हो जाएंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ही दिन में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना लूँ, आज मैंने जावा पढ़ना शुरू किया, कल को मैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको शुरू से स्टार्ट करना होगा, बेसिक सीखना होगा, लॉजिक बिल्डिंग सीखना होगा, सिंटैक्स सीखना होगा, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, तब जाके आपका दिमाग खुलेगा और आप बड़े प्रोजेक्ट्स बना पाओगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक ही दिन में सारी चीज़ करके फटाक से दूसरे दिन आप प्रोजेक्ट बना दो, तो आप नहीं कर सकते। मैं एक बहुत बड़े एग्जांपल लेने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपने एक ही दिन में नई टेक्नोलॉजी पढ़ के दूसरे दिन प्रोजेक्ट बना दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीख रखी है, या कोई भी आप बढ़िया अगर किसी डेवलपर को लो, तो होता क्या है कि वो पहले किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होता है। सपोज़ एक डेवलपर है राम, ये राम जावा पे 10 साल से काम कर रहा है, और अगर उसको कोटलिन पे कहा गया काम करने के लिए, तो शायद वो 5 दिन में ही पढ़ के कोटलिन पे काम करना स्टार्ट कर दे। क्यों? अब आप बोलोगे कि सर उसने तो 5 दिन में कोटलिन पढ़ के काम करना स्टार्ट कर दिया, मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। वो 10 साल से जावा पे काम कर रहा है, तो जावा का जो एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंस का उसको फायदा मिलेगा कोटलिन को सीखने के लिए। तो एक चीज़ का एक्सपीरियंस दूसरी जगह कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अगर आप एक बार मेहनत करोगे, जावा अच्छे सीखोगे, तो पाइथन सीखने में कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ को टाइम देना है, पेशेंस रखना है, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ करते आपको बढ़ती जानी है। तो दूसरा पॉइंट हमारा था, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरा तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है अगर आपको चीज़ें सीखनी है। क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस है, तो मैं उस बेसिस पे बात करता हूँ कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली लैंग्वेज विच इज यूज टू इम्प्लीमेंट योर आइडिया, जिसकी हेल्प से आप आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ऐसी चीज होती है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना सीखोगे आप तभी जब उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप काम करते हो, तो आपको ज़रूरत पड़ती है लॉजिक बिल्डिंग की, क्योंकि जब आप लॉजिक बिल्डिंग कर पाओगे, अपने दिमाग से सोच पाओगे, तभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे तो आपको ध्यान देना है, साथ ही साथ में आपको लॉजिक बिल्डिंग पे भी ध्यान देना है। और दोनों चीज़ें, सिंटैक्स और लॉजिक, दोनों चीज़ें तभी सही होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो चीज़ों की। अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, रोज़ प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आप चीज़ें सीख पाओगे। अगर प्रैक्टिस की कमी होगी, तो आप उतने अच्छे से चीज़ों को नहीं सीख पाओगे, फिर आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। तो प्रैक्टिस इज थर्ड माई पॉइंट। प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। अगर प्रैक्टिस आपने अच्छे से नहीं की, उस केस में थोड़ा सा दिक्कत होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में। बार बार कहीं सेंटेक्स गलत होगा, कहीं ये होगा, कहीं वो होगा, कहीं स्पेलिंग गलत हो जाएगी, कहीं सेमी कोलन छूट जाएगा, वो चीज़ें आपको बोर कर देंगी, फिर आपका मन हट जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप छोड़ दोगे आज नहीं कल। तो आपको इतना प्रैक्टिस करनी है कि आप सेमी कोलन खुद से अपने आप लग जाए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कर्ली ब्रेसेस खुद से बंद हो जाएं, इतना आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो प्रैक्टिस जितना करोगे चीज़ें उतनी ही सीखोगे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा, दैट आर सिमिलर टू मैथमेटिक्स। कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स है लॉजिक बिल्डिंग वगैरह। तो अगर मैं मैथमेटिक्स का आप लोग एग्जाम्पल देखो, तो मैथमेटिक्स में टीचर आपको क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स करा देता है, अगर आप उतने ही प्रॉब्लम्स करोगे, तो आप एग्ज़ाम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं अचीव कर पाओगे। तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा बनने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी होती है।
तब आप जाके एक्सपर्ट बनते हो, उस लेवल के एक्सपर्ट बनते हो और अपने इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हो। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लॉजिक में भी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होगी। तो तीन पॉइंट मैंने डिस्कस किया, अगर आप ये तीन चीज़ पे ध्यान दोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, किसी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बन जाओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप कोई और काम करते हो तो ये तीन चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। TPP, टाइम प्रैक्टिस एंड पेशेंस, टाइम प्रैक्टिस एंड पेशेंस। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है तो टाइम प्रैक्टिस एंड पेशेंस, तीन चीज आपको फोकस करना है, तीन चीज पे ध्यान देना है, फिर आपको क्या काम करना है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।